हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर आते हैं, प्रैक्टिस मैनुअल की बात करेंगे। कौन सा चैप्टर ख़त्म किया था सर आपने? लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम की बात की थी, और क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज हम लोग अपने सीए फाइनल की प्रैक्टिस मैनुअल के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो इस चैप्टर का नाम क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं है, इस चैप्टर का नाम है इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अदर पर्सन। तो इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, किसी और बंदे की इनकम किसी और बंदे में जोड़ना, यानी कि जिस बंदे में हम जोड़ रहे हैं दैट इज आर एसएससी। आज मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, वायरल है, फीवर है, तो कहा जाता है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब फीवर में भी सफर कर रहे हैं, अच्छी बात है, ढंग से सुनेंगे कि आवाज़ थोड़ी मेरी आज डिस्टर्ब रहेगी। कोशिश करते हैं अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करने की इस खराब आवाज़ के साथ भी। इसीलिए कहा जाता है ना, खराब आवाज़ है ना साज है, जो चीज़ अपनी साज में ना हो, सुर लय ताल में ना हो, उसको कहते हैं नासाज। तो आज मेरी तबीयत नासाज है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, और अगर कुछ बोलने में हो जाए तो माफ़ करेंगे। इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 15 है। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले हम पिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मिसेज ई, भाई टॉपिक ओवर हो चुका है, मुझे कुछ आपको समझाना है नहीं, मुझे केवल इतना करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, प्रोविजन समझाना है और आंसर दे देना है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। कहता है मिसेज ई वाइफ ऑफ मिस्टर एफ, ओके, वाइफ ऑफ मिस्टर एफ, अ पार्टनर, नाउ शी इज अ पार्टनर इन अ फर्म, एंड हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फर्म 1 अप्रैल 2016, इसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 5 लाख, आउट ऑफ विच 3 लैक्स वॉज हर, यानी मिसेज ई का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था कितने का? और 2 लाख उसके हस्बेंड का था। अब होना तो मिस्टर एफ और मिसेज एफ होना था, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन दिया है मिस्टर ई है, मिस्टर एफ एंड मिसेज ई, थोड़ा लोचा नहीं लग रहा? हाँ, लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, फिलहाल ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ओके, एज फर्दर कैपिटल वॉज नीडेड बाई द फर्म शी फर्दर इन्वेस्टेड ₹2 लाख, इसने 2 लाख रुपए और लगा दिए 1 मई 2016 को। ओके, ये 2 लाख भी कहां से मिला था? इसका अपना नहीं था, इसके हस्बैंड ने इसको गिफ्ट दिया, वहां से इसने 2 लाख लगाया। फर्म ने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 80,000 का टोटल मिलाकर, और शेयर दिया था प्रॉफिट में 60,000 रुपए का, प्रीवियस ईयर 16-17, यानी असेसमेंट ईयर 17-18। अब हमें इनको एडवाइस देनी है, सलाहकार आप बन जाते हैं तो सलाह दे दें। सलाह ये दे सकते हैं, एडवाइस और कंसल्टेंसी तो ये दे सकते हैं कि टोटल फर्म में इसकी कैपिटल कितनी है? 7 लाख, 3 लाख इसका अपना है और 4 लाख इसके हस्बैंड का है। लेकिन जब मैंने आपको ये प्रोविजन पढ़ाया था तो उस समय मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, और मैंने क्लियरली बोला था फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग द क्लबिंग प्रोविजन्स वी हैव टू कंसीडर द कैपिटल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल। ओके, चूंकि ये 1 मई को कॉन्ट्रीब्यूट किया है मिस्टर एफ ने, क्लबिंग के प्रोविजन के लिए ये हमारे किसी मतलब का नहीं है। जो हमारा 80,000 और 60,000 दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना,
दैट इज वेरी मच बेस्ड अपॉन द कैपिटल एज ऑन 1st of April 2016. नाउ एज ऑन 1st April 2016 देयर वर कैपिटल ऑफ 3 lakhs मिसेस ई एंड द रेस्ट 2 lakhs ऑफ मिस्टर एफ. तो 3-2 के रेशियो में 80,000 को हमें इन 3-2 के रेशियो में बांटना पड़ेगा. बोलो तो 48,000 इसमें आ जाएगा और 32,000 इसके पास चला जाएगा. यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 फर्म से मिला है ना, आउट ऑफ विच रुपीज 48,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेज ई इटसेल्फ एंड द रेस्ट 32,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज हर हस्बैंड. दैट्स इट. What about the share of profit from a firm? It is 100% exempt from tax. Then the clubbing provision will not apply in this case. जी सर, तो share of profit from a firm 100% exempt होता है, यहाँ पर clubbing के provisions applicable नहीं होंगे. Interest on capital पर clubbing के provisions applicable होंगे, जिसमें से 80,000 में से 32,000 उसके husband में चला जाएगा. आपको केवल इतना answer देना है. That's it. मैं इसको rub करने जा रहा हूँ. कुछ नया नहीं बताया मैंने आपको इसमें, जो हम लोग जानते थे उसी चीज को देखा. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? मिस्टर ए हैज गिफ्टेड अ हाउस ऑफ रुपीज 50 lakhs टू हिज वाइफ. अच्छा यहां पर भी लोचा मिसेज बी है, मिसेज ए होना चाहिए भाई. तो ही इज अ हस्बैंड ऑफ मिसेस बी एंड ही गिफ्टेड हिज हाउस प्रॉपर्टी हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू मिसेस सी. इसने गिफ्ट दे दिया किसको? देयर डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ. द हाउस वॉज लेट आउट एट रुपीज 25,000 पर मंथ. और जो घर है ना इसने लेट आउट कर दिया 25,000 पर मंथ. नाउ कैलकुलेट द इनकम. क्लबिंग प्रोविजंस को ध्यान में देना है. देखें इधर, इधर अब हुआ क्या, हमने तो एक प्रोविजन ये जाना है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट कंसीडरेशन. नाउ दिस इज द केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. नाउ सेक्शन 27 विल अप्लाई. जी सर. और अगर मिसेस बी ने अपने डॉटर इन लॉ को कोई एसेट दी है तो भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे. बट यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ, हमें तो ऐसा दिखता है कि इनडायरेक्टली मिस्टर ए वॉज हैविंग एन इंटेंशन टू ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर इन लॉ. बट ही डिडंट डू दैट डायरेक्टली. वॉट ही फॉलोड, ही फॉलोड अ प्रोसीजर. फर्स्ट ही गिफ्टेड दैट हाउस टू हिज वाइफ. After that, his wife transferred it to her son's wife, daughter-in-law. Basically, आप कह सकते हैं ये indirect transfer किया गया है. जाना जहां asset था वहां चला गया, लेकिन direct ना transfer करके indirect. अगर इनके provisions को देखा तो section 27 में deemed donor, he will be treated as a deemed donor and whatever the income will be earned by Mrs. B will become the income of Mr. A. And while we are just going to do the study of section 64 clubbing provisions, तो वहां पर कहा जाता है अगर कोई एसेट ट्रांसफर की गई है अपने डॉटर इन लॉ को, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है एसेट ट्रांसफर की डॉटर इन लॉ को, तो उसका भी अमाउंट ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होता है. तो हम सीधे बोल सकते हैं द 100% ऑफ द इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इंस्टेड ऑफ टैक्सेबिलिटी अराइजेज इन द हैंड्स ऑफ मिसेस बी. नॉट एट ऑल. इट विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए. जी जरा देखते हैं आंसर क्या बोलता है. और ये ध्यान देंगे कि 3 lakh में से अभी 90,000 लेस होगा, तो इन्होंने 2,10,000 दिखा हुआ है. 90,000 किस चीज का है? जो 30% डिडक्शन आपको सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो मिल जाएगी. लेकिन हम अब 3 lakh की बात करते हैं फिलहाल क्लबिंग की. इन दिस केस द प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू मिस्टर एज. नहीं. Therefore, in this case, Mr. A would be deemed owner of the house property transferred to his wife, Mrs. B, without consideration. ठीक है, ये हमने देख लिया section 27. Income from let out property being the actual rent calculated at rupees 25,000, 90,000 deduction. ठीक है.
इन दिस केस इनकम ऑफ रुपीज 2,10,000 फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी अराइजिंग टू मिसेस सी बीइंग मिस्टर एज सन्स वाइफ वुड बी इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 एंड सेक्शन 64. दोनों प्रोविजंस को अगर आप मिलाएंगे सेक्शन 27 एज वेल एज सेक्शन 64, यू विल कम टू नो दैट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम विच शुड बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ मिसेस बी. जी हाँ, मिसेस बी नहीं होना चाहिए. मैं फिर से बोलता हूँ, चलो ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया. समझ में आ गई होगी बात. प्रोविजंस हम लोग पहले भी डिटेल में देख चुके हैं, आज हम लोग केवल क्वेश्चन एंड आंसर राउंड खेल रहे हैं. गेम हो रहा है और क्या हो रहा है. इस तरह के क्वेश्चन अगर सीए के एग्जाम में आते हैं तो है क्या. फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है मिस्टर कोरानी ओके ट्रांसफर्ड 2,000 डिवेंचर्स. कितने डिवेंचर्स? 100 रुपए वाला किसी कंपनी का डिवेंचर होगा. मिसेस रेखा कोरानी को ट्रांसफर किया है ओके. अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया. अच्छा, वाइफ को नहीं ट्रांसफर किया, ये डिवेंचर्स अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया है. 3 अक्टूबर 2014 को बिना कोई पैसा लिए. द कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000 इन सेप्टेम्बर. अब कंपनी ने क्या किया, 30,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उनकी वाइफ को दे दिए जी अक्टूबर 2016 में. और इस 30,000 को मिसेज रेखा ने क्या किया, इससे इसने इंटरेस्ट अर्न किया है 3,000 रुपए का. डिपॉजिट कर दिया कहीं पर और वहां से इंटरेस्ट अर्न किया. बताओ क्या टैक्स प्रोविजन है. मैंने आप लोग बताया था इनकम ऑन इनकम क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आता. एक्रीशन ऑफ इनकम क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आता. हाँ, जो मिस्टर कोरानी ने मिसेज रेखा को ट्रांसफर किया डिबेंचर विदाउट कंसिडरेशन, नाउ द इनकम अराइजेस टू मिसेज कोरानी थ्रू दोज डिबेंचर्स विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ नॉट मिसेज कोरानी बट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कोरानी. दैट्स इट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, नाउ मिसेज रेखा कोरानी ट्रांसफर, मिसेज रेखा कोरानी डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट इन टू अ बैंक और invested somewhere else and out from that she earns ₹3,000 as interest on deposit. Now tell me whether the same will be subject matter of tax, subject matter of clubbing provisions or not in the hands of Mr. Not at all. ये clubbing के provisions में नहीं आएगा. Income on income ये Mrs. Rekha के हाथ में ही taxable होगा. ये 3,000 इसके हाथ में taxable होगा और ये 30,000 इसके हाथ में टैक्सेबल होगा. जैसा कि हम लोग प्रोविजन पहले भी जानते हैं और हम लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ भी नया नहीं है. बात खत्म. मैंने आपको पहले भी बोला कि इस चैप्टर में आपको कुछ भी नया सीखने को शायद ही मिले. जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग और सेम प्रोविजन. नाउ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. थिंक अबाउट दैट. उसके बावजूद पेपर टफ बनता है, लोग बोलते हैं कहाँ टफ बनता है. हमने तो आज तक किसी पेपर, किसी क्वेश्चन पे नहीं देखा कि कोई पेपर टफ बनाओ. हाँ, आपने चूंकि स्टडी थोड़ी कम की इसलिए थोड़ा टफ लगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. मिस्टर रोज आउट ऑफ हिज ओन फंड हैड टेकन एन FDR. अच्छा, मिसेज रोज नहीं, मिस्टर रोज out of his own fund had taken an FDR being interest and person half yearly in the name of his wife Lily. Achha ji, inki wife hai Mrs. Lily. ₹10,00,000 ka tha FDR fixed deposit bearing interest as at the rate of 10%. Kiske naam se le liya? ₹10,00,000 ka FDR apni wife ke naam se karwaya apne paise se. और शी अर्न्स ₹1,00,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन दैट. इसे 1,00,000 इस इंटरेस्ट ऑन FD, इस पर ₹1,00,000 का इंटरेस्ट मिला है. और उसने इससे बिजनेस किया और बिजनेस इनकम कमाई है 55,000. बता दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है. इनकम और इनकम टैक्सेबल नहीं होती. ये 55,000 hands of Mrs. Lily, while 1,00,000 will be charged to tax in the hands of Mr. Rose. मुझे नहीं लगता यहाँ कर कोई दिक्कत होगी. क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं. अभी लास्ट क्वेश्चन भी सेम देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम था, हटा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं.
नरेश इज अ फैशन डिजाइनर. नरेश कौन है? फैशन डिजाइनर है. ओके. हैविंग लुक्रेटिव बिजनेस, अच्छी बात है, बढ़िया बिजनेस है. तो हिज वाइफ इज अ मॉडल. अच्छा, बिजनेस फैशन डिजाइनर का, उसकी वाइफ भी क्या है? मॉडल है. नमूना, मॉडल का मतलब क्या होता है? नमूना. नरेश पेज टू हर मंथली सैलरी ऑफ 10,000. यानी मिस्टर नरेश ने अपनी वाइफ जो कि मॉडल है और ये चूंकि पेशे से फैशन डिजाइनर है, इसने अपनी वाइफ को ₹10,000 पर मंथ सैलरी दी. मुझे समझ में आ गया आगे क्वेश्चन क्या होगा. एओ व्हाइल एडमिटिंग दैट द सैलरी इज एन Admissible deduction in computing the total income of Naresh had applied the provision of section 64 and had clubbed the income of his wife in Naresh income. Oh, Mr. AO साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको लगता है ऐसा वैसा सपना. ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है तो वहाँ प्रोफेशनल का मतलब आप केवल एक ही चीज़ से लो और वहाँ प्रोफेशनल का मतलब केवल डिग्री से हो. सीए साहब है, सीएस साहब है, सीएमए साहब है, लॉयर है, तो फलाना है, तो दिमाका है. नहीं है ऐसा. आप अपनी सोच को बदलो. क्या बदलो? कि प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल्स होने का मतलब ये नहीं दैट अ पर्टिकुलर पर्सन पजेसेस अ टेक्निकल डिग्री और अ डिग्री ऑफ अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. नॉट एट ऑल. ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग टैक्सेशन में प्रोफेशनल का मतलब थोड़ा वाइड रेंज में लेते हैं. प्रोफेशनल को नैरो माइंडेड में लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है. कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं वो इसमें शामिल होगा. नाउ शी डजंट पजेस एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन और द डिग्री, बट यस शी कैन प्ले अ रोल ऑफ मॉडल. रोल मॉडल नहीं है, रोल प्ले कर सकती है मॉडल का. तो वहां पर इस वाइफ को जो सैलरी दी गई है, इफ शी डिजर्व्स दैट सैलरी देन इट विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिसेस फैशन डिजाइनर. अदरवाइज एओ कैन यूज सेक्शन 40 PGBP कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव को या स्पेसिफाइड पर्सन को कोई अमाउंट देते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जो एक्सेसिव या अनरीजनेबल हो तो उसको आप डिसअलाउ कर सकते हैं. बस एओ के पास इतना पावर है. लेकिन यहां पर सेक्शन 64 आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये मानते हुए कि यस मिसेज फैशन डिजाइनर इज वेल टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब. क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं. क्या कहता है ये क्वेश्चन? मिस्टर मयूर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मिस्टर मयूर गिफ्टेड अमाउंट ऑफ ₹5 lakhs टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर. इसने गिफ्ट दिया है अपने ब्रदर की वाइफ को. अच्छा जी, एक पिक्चर आई थी ना, ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, देखो ना. इसने, मिस्टर मयूर ने अपने भाई की वाइफ को क्या दिया? गिफ्ट दिया. कितने का? 5 lakh का. और उसी समय, उसी दिन मयूर के भाई ने गिफ्ट कर दिया शेयर जो कि 5 lakh का था मयूर के माइनर सन को. इसको गिफ्ट कर दिया. किसका? क्या गिफ्ट कर दिया भाई? शेयर्स. ब्रदर ने इसके भाई को 5 lakh का शेयर गिफ्ट किया. मयूर ने अपने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट किया 5 lakh रुपए का. भाई लोचा है, बिल्कुल लोचा है. ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्रॉस ट्रांसफर है. और मैंने चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्रॉस ट्रांसफर की 8-10 लाइनें पढ़ करके सुनाई थी और मैंने वहां पर एक वर्ड अंडरलाइन करने के लिए बोला था. जब मैंने आपको क्रॉस ट्रांसफर की थ्योरी में पढ़ा रहा था, मैंने कहा था एक लाइन अंडरलाइन कर लो, एक वर्ड अंडरलाइन कर लो,
एक वर्ड अंडरलाइन कर लो जिस पर मैंने बार बार फोकस किया था, क्योंकि हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम में कंफ्यूजन अराइज होती है कि ट्रांसफरर का मतलब क्या। मैंने कहा था दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ थिंग वेयर वी आर जस्ट गोइंग टू डू अंडरलाइन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड एंड दैट इज योर, बोल दूं, डीम्ड ट्रांसफरर, नॉट ट्रांसफरर, डीम्ड ट्रांसफरर। तो यहां पर बताओ एक्चुअली तो ये केस क्रॉस ट्रांसफर का है, एक्चुअली तो ये केस क्रॉस ट्रांसफर का है। अगर आप चाहो इसकी इनकम को यहां ऐड करना, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप इसकी इनकम को यहां ऐड करना तो इसको नहीं कर सकते और हमारा एक्ट डिफीट हो गया। उस एक्ट को डिफीट नहीं होने चाहिए, उसको थम्सअप मिलना चाहिए। उसको थम्सअप कैसे मिलेगा? कहा गया कि इसकी जो इनकम होगी ना, इस 5 लाख के गिफ्ट से जो इसके भाई से मिली थी, उसकी इनकम यहां यहां ना टैक्सेबल करते हुए मान लेंगे कि यही डीम्ड ट्रांसफरर है, यानी इनकम ऑफ वाइफ विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज हर हस्बैंड। इन द सेम वे इनकम ऑफ माइनर सन विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मयूर। दैट्स इट, ये मान लिया जाएगा डीम्ड ट्रांसफरर, ये मान लिया जाएगा डीम्ड ट्रांसफरर। अपनी वाइफ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा डीम्ड ट्रांसफरर की तरह, और अपने बेटे के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा डीम्ड ट्रांसफरर की तरह। दैट्स इट, इसके अलावा हमने कुछ नहीं जानते। बस सर, आपने हम लोग को क्रॉस ट्रांसफर पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज 6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। मिस्टर वासु ने अपने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट किया है, क्या गिफ्ट कर दिया भाई? 14th जून 2016 को क्या गिफ्ट किया है? 6 लाख रुपए। अच्छा, 12 जुलाई को उसके भाई ने गिफ्ट कर दिया इसकी वाइफ को, क्या गिफ्ट किया, कितने का? 12 जुलाई 2016 को इसने गिफ्ट किया है 5 लाख रुपए। अमाउंट अलग हो गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अमाउंट सेम था। इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज दिख रही है? जी सर, एक ने 5 लाख गिफ्ट दिया, एक ने 6 लाख गिफ्ट दिया। अब आप बोलेंगे एक क्रॉस ट्रांसफर है। मैं ऐसा कुछ भी बोलने जा रहा हूं, ये क्रॉस ट्रांसफर है, ये क्रॉस ट्रांसफर है, लेकिन और लेकिन है, लेकिन और लेकिन, लेकिन और लेकिन केवल 5 लाख तक की लिमिट में एंड नॉट 6 लाख, क्योंकि यहां पर इंटेंशन टैक्स बचाने का है, टैक्स चोरी करने का है, केवल और केवल 5 लाख रुपए तक का टैक्स। जी सर, तो 5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स कितना? 9% के हिसाब से इंटरेस्ट में मिला है मिस्टर वासुदेवन ब्रदर। ओके, दोनों लोगों ने 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया, तो कहा गया सीधी सी बात है 5 लाख को आप क्रॉस ट्रांसफर मानो, 9% के हिसाब से 45,000 वाइफ का इसके में टैक्सेबल कर दो, इसकी वाइफ का डीम्ड ट्रांसफरर इन लोगों को मान लिया जाएगा। अपनी वाइफ को इन लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया इनकम, लेकिन इनडायरेक्ट तो इनको इनकी वाइफ 45,000 तक किलोमीटर जो दोनों में से कम होगा, 6 लाख 5 लाख जो दोनों में से कम होगा, इसका मतलब टैक्सेशन की चोरी आप 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कर रहे हो, 5 लाख तक के फंड पर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्ट है माइनर सन को मिला है तो उसके पिताजी में या मम्मी में जुड़ जाएगा, लेकिन ये आया कहां से है? बच्चे ने, माइनर सन ने स्टेज एक्टिंग से कुछ कमाया था, और कुछ कमाया था स्टेज एक्टिंग से, दैट इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस। यस सर, क्योंकि अगर कोई फिजिकल या मैनुअल वर्क या अपनी स्किल या टैलेंट से कुछ कमाता है तो वो क्लबिंग नहीं होता। लेकिन लेकिन माइनर ने कुछ कमाया अपने टैलेंट से, वो उसके पिता में ऐड नहीं होगा।
लेकिन उस माइनर ने उस पैसे को जमा कर दिया और वहां से एफडीआर, वहां से कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट मिला। क्या ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्लब होगा या नहीं पिता में? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए माइनर ने कोई एफर्ट नहीं दिया, कोई फिजिकल या मैनुअल वर्क नहीं किया। दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस। अब 1500 की डिडक्शन उसके पिताजी को तो मिलेगी ही मिलेगी, उसकी तो बात करना ही भी बेकार है। बात समझ में आ गई सर? ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी, सेक्शन 1032, सेक्शन 10 क्लॉज 32, डिडक्शन मिलेगी उसके पिता को 1500 रुपए मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर अंतर्यामी, ओके, इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा, मिस्टर अंतर्यामी सेटल्ड 1/4 शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट। इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसने एक प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया, अच्छी बात है, और कहा कि इससे माइनर डॉटर का मेंटेनेंस एंड एजुकेशन देखा जाए, ये बोला इसने ट्रस्ट में प्रॉपर्टी देते समय। पुलोमी नाम था। इस डीड के तहत जो भी इनकम ट्रस्ट को होगी, इसकी बच्ची को ट्रीटमेंट देने के बाद मेंटेनेंस एंड एजुकेशन, बाकी पैसा एक्यूमुलेट किया जाएगा, और जब ये मेजर हो जाएगी तो ये पैसा इसको दे दिया जाएगा। ये एक सिस्टम था। अब हमें इस पर बहस करनी है। क्या करनी है? बहस छेड़नी है। भाई एक मिस्टर अंतर्यामी है, उसकी एक बच्ची है पुलोमी, उस बच्ची के नाम से इसने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट को वो प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा ट्रांसफर किया, और ट्रस्ट को ये इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस दिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए कि टिल द अटेनिंग ऑफ मेजोरिटी वॉट एवर द एक्सपेंडिचर आर देयर रिगार्डिंग एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनर चाइल्ड पुलोमी द ट्रस्ट विल बियर दोज एक्सपेंडिचर। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, वॉट एवर द इनकम ऑफ देयर, वॉट एवर द इनकम विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आफ्टर मीटिंग आउट दीज एक्सपेंडिचर ऑफ हर माइनर चाइल्ड द रेस्ट अमाउंट विल बी एक्यूमुलेटेड इन अ फंड एंड वेन शी विल गेट द और वेन शी विल अटेंड द मेजोरिटी एज द एक्यूमुलेटेड फंड विल ट्रांसफर इन हर अकाउंट। दैट्स इट, दैट वॉज द पर्पज ऑफ द ट्रस्ट। हम लोग को एक चीज अच्छी तरह मालूम है कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो उनके पेरेंट्स में जाती है, तो यहां पर जो ट्रस्ट पा रहा है एक तरह से वो माइनर चाइल्ड को दे रहा है और दूसरा एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर ये मैं बोलूं एक्यूमुलेट होगा पैसा और मेजोरिटी पर इसको मिलेगा, तब तो ये माइनर नहीं है, और माइनर नहीं है तो पिताजी में टैक्सेबल नहीं होगा, यानी इसके हाथ में टैक्सेबल होगा। हाँ, लेकिन उस अमाउंट का क्या जो इसको रेगुलर माइनर की एज में दिया जा रहा है? तो माइनर चाइल्ड को माइनर माइनोरिटी के समय अगर आप कुछ इनकम कमाने के लिए देते हो, एक तरह से शी अर्न समथिंग नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थ्रू अ ट्रस्ट, दैट अमाउंट ऑफ इनकम वॉट एवर शी गेट्स रेगुलरली फॉर द पर्पज ऑफ हर ट्रीटमेंट एजुकेशन और मेंटेनेंस, इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम इन हर हैंड एंड विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ हिज फादर हु ट्रांसपोर्ट इट। इज इट क्लियर? पक्की बात। तो क्लबिंग के प्रोविजंस केवल उस लिमिट तक ही रहेंगे जो उसके ऊपर रेगुलर वे में माइनॉरिटी एज में खर्च किए जा रहे हों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एच अ मेंटली रिटार्टेड माइनर हैज अ टोटल इनकम ऑफ 1,20,000, द टोटल इनकम ऑफ हिज फादर एंड हिज मदर 340 एंड 280। फंसाया है क्वेश्चन वाले ने हमें, फंसाया है मम्मी पापा की इनकम देख करके। उसने ये सोच लिया कि हम लोग भी कहीं मेंटली रिटार्टेड ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मेंटली वेल साउंड हैं, हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये इनकम क्लब नहीं होगी, न मदर में न फादर में। क्यों नहीं होगी मदर फादर में? क्योंकि अगर कोई माइनर चाइल्ड जो मेंटली रिटार्टेड हो, उसको अगर कोई इनकम अर्न होती है जो सेक्शन 82 में रेफर्ड डिसीजेज हैं, तो उसको क्लबिंग के प्रोविजंस में नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। और मैंने ऐसा आपको 10 बार पहले भी क्यों पढ़ाते समय तक दिया, तो यहाँ पर ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं। आप मम्मी पापा की इनकम 240, 280 और 320 देते रहो, कुछ भी होने वाला
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, दो पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। श्रीमती शांति कैरिड ऑन बिजनेस विद गिफ्टेड फंड्स ऑफ हर हस्बैंड महेश। फॉर द फाइनेंशियल ईयर शांति इनकर्स लॉस ऑफ ₹2 लाख। अरे भाई, इनकम को आप क्लब करते हो, लॉस को छोड़ दोगे क्या? इनकम मीन्स पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम। इफ इनकम इज टू बी क्लब, देन लॉस विल बी क्लब्ड आल्सो। व्हाट आर द प्रॉब्लम इज देयर? आपका आंसर आ गया, अगर लॉस है तो क्लब करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम क्लब होने का मतलब केवल इनकम इनकम नहीं होती पॉजिटिव, इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम्स टू। क्वेश्चन नंबर 2, 11 के पार्ट नंबर 2 में, श्रीमती भानु सक्सीडेड टू द बिजनेस ऑफ हर हस्बैंड श्री भावेश हु डाइड। अगर डेथ के बाद किसी का बिजनेस ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस में जाता है, उत्तराधिकार में, अब चाहे बच्चों को जाए, चाहे हस्बैंड से वाइफ, चाहे वाइफ से हस्बैंड को। शी कैरिड ऑन द बिजनेस एज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो उसने उस बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप में ही चलाया, जो उसके पति चलाते थे उसी वे में उसकी पत्नी ने आफ्टर हिज डेथ कंटिन्यू। आफ्टर द बिजनेस ऑफ भावेश अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ रिजल्टेड इन अ लॉस। उसके पति ने लॉस कमाया था। श्रीमती भानु ने इस साल प्रॉफिट कमाया। अब वो जानना चाहती है क्या उसके लॉस को, जो उसके पति का लॉस था, उसका बिजनेस देखता था, जो बिजनेस चलाता था पहले, उसके डेथ के बाद क्या वो इस लॉस को अपने प्रॉफिट से मीट आउट कर सकती है, क्या उस लॉस को ही कैरी फॉरवर्ड कर सकती है जी। ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लबिंग का तो नहीं है, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का है, और मैं मान लेता हूं कि आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेक्शन 78 सब सेक्शन 2, जिसमें कहा गया है कि इन केस ऑफ इनहेरिटेंस ओनली द लॉसेस ऑफ द प्रीडेसेसर विल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बाय द सक्सेसर। दैट्स इट, ओनली इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस। अदर देन इनहेरिटेंस इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज द पर्सन हु इनकर्स द लॉस एंड द पर्सन हु वांट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस मस्ट बी द सेम। एसएससी शुड नॉट बी चेंज्ड, एसएससी मस्ट बी द सेम। हियर इन दिस केस द एसएससी इज चेंज्ड ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इनहेरिटेंस। And under inheritance case only it is permissible to carry forward the loss of predecessor by the successor. Is it clear? जी सर। तो ये भी हम लोग को तैयार हो गया, सेक्शन 78 सब सेक्शन 2 के हिसाब से हम लोगों ने देखा है। अगर आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को एक बार चले जाएं, सबसे लास्ट में मैंने आपको इसको डिस्कस किया, फर्स्ट लेक्चर में ही जब मैं सेक्शन 78 पढ़ाता हूँ थ्योरी का, जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देखें, लास्ट के 20 मिनट चले जाएं, 20 से 25 मिनट या 15 मिनट पहले, तो सेक्शन 78 के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, यहाँ पे नहीं आता पॉज करें, वहाँ जाएं, उसको डिस्कस कर डिटेल में देख लें, फिर यहाँ आए, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज व्हेन यू विल कंप्लीट योर कोर्स वंस एंड यू विल रिवाइज योर कोर्स एंड व्हेन यू विल रीच ओवर देयर यू विल कम टू नो व्हाट हैज हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ वाज अ पार्टनर इन अ फर्म रिप्रेजेंटिंग हिज HUF। ओके, यानी मिस्टर सिद्धार्थ एक फर्म में पार्टनर है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है, कर्ता की हैसियत से, क्योंकि HUF एज सच किसी का पार्टनर नहीं बन सकता। HUF को पार्टनर बनने के लिए कर्ता का सहारा लेना पड़ता है। अब कर्ता की दो पोजीशन हो गई, एज अ कर्ता एंड हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी इटसेल्फ, दो कैपेसिटीज हैं। अब जो वहां कर्ता गया है, मिस्टर सिद्धार्थ एज अ कर्ता वहां पर पार्टनर बना है, उसकी वाइफ, उस कर्ता की जो वाइफ है उसके पास 25% शेयर्स हैं उस फर्म के, ठीक है। हिज वाइफ विनीता अ हाउस लेडी वॉज एडमिटेड इन हर इंडिविजुअल कैपेसिटी इन द फर्म। नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मिस्टर सिद्धार्थ है जिसने, जो पार्टनर है उस फर्म में, और मिस्टर सिद्धार्थ एज अ कर्ता रिप्रेजेंट कर रहा है उस फर्म के अपने HUF को, एज अ कर्ता वो वहां पर पार्टनर बना हुआ है, ठीक है। और उस कर्ता के पास 25% शेयर है, यानी कि उस HUF के पास 25% हिस्सा है, ठीक है। उसकी वाइफ, उस कर्ता यानी मिस्टर सिद्धार्थ की वाइफ, हिज वाइफ विनीता अ हाउस लेडी वॉज एडमिटेड इन हर इंडिविजुअल कैपेसिटी इन द फर्म फॉर 25% शेयर। उसकी वाइफ उसमें 25% हिस्से के लिए शामिल हो गई और उसको रिमनरेशन दिया गया है। तो बताओ क्या अब उसकी वाइफ को जो दिया गया रिमनरेशन है, दैट मस्ट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, दैट मस्ट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज हस्बैंड मिस्टर सिद्धार्थ और नॉट, बिकॉज मिस्टर सिद्धार्थ एंड कर्ता बोथ आर द सेम हेयर इन दिस क्वेश्चन, बट वी कैन नॉट मिक्स बोथ ऑफ देम विद ईच अदर। मिस्टर सिद्धार्थ प्ले टू डिफरेंट रोल्स, द फर्स्ट रोल
इंडिविजुअल कैपेसिटी एज द हस्बैंड ऑफ मिसेस विनीता एंड द सेकेंड रोल ही प्लेज एज अ कर्ता ऑफ HUF. इज इट क्लियर? ही रिप्रेजेंट्स HUF इन द फॉर्म एंड ही इज अ पार्टनर एज ओवर देयर व्हाइल हर वाइफ नॉट हिज वाइफ इज अ पार्टनर इन इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी. अब उस फर्म से कर्ता को भी कुछ हिस्सा मिलेगा फर्म की तरह, उस फर्म से उसकी वाइफ को भी कुछ मिलेगा मिस्टर सिद्धार्थ की. अब कहा जाता है क्या इसकी वाइफ का, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो वहां क्लबिंग के प्रोविजंस लगते हैं. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. यहां जो मिस्टर कर्ता है या मिस्टर सिद्धार्थ, वो दो रोल प्ले कर रहा है. वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है, और जब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है देन ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ हस्बैंड ऑफ मिसेस विनीता. ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एट ऑल फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्लबिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हस्बैंड नहीं माना जाएगा बिकॉज ही प्लेज अ रोल इन दैट फॉर्म एज अ कर्ता ऑफ HUF एज अ पार्टनर. व्हाइल शी प्लेज अ रोल इन इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी एज अ पार्टनर इन दैट फॉर्म. The remuneration received by Mrs. Vinita will not be clubbed in the hands of Mr. Siddharth. जी सर, समझ में आ गई बात. क्वेश्चन नंबर 13 देखें. दिनेश एन इंडिविजुअल एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंस एडवांटेज एडवांसेज रुपीज 5 lakhs टू हिज HUF ऑन इंटरेस्ट. ठीक है, विच इज द प्रिवेलिंग मार्केट द HUF इन्वेस्ट द अमाउंट इन इट्स. ठीक है, हो जाएगा, इसको हमें मत बताइए सर. अब आपके सामने ये क्वेश्चन हो जाएंगे. मैं क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद कर लेंगे. मैं केवल क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूं और इस चैप्टर को टाटा और बाय बाय बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस और प्रोविजंस कर रखे हैं, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 14 में एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जरा हम उसकी बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 मिस्टर घोष हेल्ड 15% शेयर्स इन ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड. ओके, ही गिफ्ट टू हिज वाइफ मिसेस घोष ऑन 25th ऑफ मे 2016. द ट्रांसफर वॉज मेड विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन. ओके, यानी अब इसको जो भी इनकम होगी वहां आ जाएगी. On 20th June, Mrs. Ghosh obtained a loan, ₹80,000, from ABC Limited. When the company's accumulated profit was ₹50,000, accumulated profit of ABC Limited, Private Limited. ₹50,000. What is the tax implication of the above transaction? अगर हम बात करें इस प्रोविजन की, तो मैंने ये सेक्शन डिस्कस किया था आपके इंट्रो में, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था टैक्सेशन का, फर्स्ट 5 to 6 लेक्चर्स. तो उसमें मैंने आपको सेक्शन 8 डिस्कस किया था, डिविडेंड इनकम. और जब हम डिविडेंड इनकम का डिस्कशन कर रहे थे उस फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने आपको डिविडेंड 3 तरह के बताए थे. पहला प्रपोज डिविडेंड जो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होता है, इंट्रिम डिविडेंड जो रिसीट बेसिस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, और तीसरा मैंने स्पेशली फोकस करके बताया था और इस पर हम लोगों ने अच्छी खासी क्लास ले ली थी, डीम्ड डिविडेंड 222 ए बी सी डी एंड ई. ये 5 प्रोविजंस मैंने उस समय पढ़ाए थे आपको डीम्ड डिविडेंड के. और उसमें भी जो मैंने सबसे लास्ट वाला सेक्शन 222E पढ़ाया था, जो मैंने सेक्शन 222E डिस्कस किया था, वो मैंने कहा था वो ये प्रोविजन है जो आपका क्वेश्चन है. लोन, लोन एंड एडवांसेस. अगर कोई SEC किसी कंपनी में
10% या उससे अधिक के शेयर्स को ओन करता है और उनका वो बेनिफिशियल ओन और उनसे अधिक का वो बेनिफिशियल ओनर है। तो अगर ऐसे एसएससी को कुछ भी लोन या एडवांस दिया जाए तो डिमिड डिविडेंड माना जाता है। अगर आपको याद आया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा, स्टॉप ओवर हियर दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक एंड गो टू आवर चैप्टर नंबर 1, सर्च द टॉपिक ऑफ डिमिड डिविडेंड एंड आफ्टर डूइंग द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर उस टॉपिक को प्रॉपर स्टडी कर लें, फिर से मौका मिला है आपको, और उसके बाद आप यहाँ केवल सर 222E ना 222A, B, C, D, E, और मैंने पूरा आपको एक घंटे तक डिस्कशन करवाया है। बेटर है कि इस समय तुरंत पॉज करके वहां जाएं, उसको देखें, यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली। इट इज ऑफ नो यूज टू डू द स्टडी फ्रॉम माई साइड राइट नाउ। तो इस टॉपिक को मुझसे अब इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वहां जाओ, लेकिन अगर आपका वो टॉपिक तैयार है तो लेट इट बी, आगे देखते हैं। तो 50,000 जो भी लोन या एडवांस दिया जाएगा, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड, व्हाट एवर द लोन और एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी टू हिज शेयर होल्डर, इट वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। क्यों सर, क्या इसका काम है लोन देना? ये बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है? नहीं सर। तो क्या ये लोन दे सकती है? नहीं सर। तो लोन दिया क्यों? हाँ, सोचा ही नहीं, तो लोन दिया तो इसको डीम्ड डिविडेंड मानो। हाँ, टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। 50,000, 80,000 का लोन दे दिया, जबकि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने के थे? 50,000 तक। तो 50,000 की लिमिट तक आप इसको डीम्ड डिविडेंड मानेंगे और ये मिसेस घोष के हाथ में जाएंगे और मिसेस घोष का क्लबिंग हो जाएगा मिस्टर घोष के हाथ में। तो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट ₹50,000 विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर घोष बाय ट्रीटिंग इट एज अ डीम्ड डिविडेंड। दैट्स इट अंडर सेक्शन 222E। ये टॉपिक आप ढंग से एक बार फिर से स्टडी कर लेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। जितने प्रोविजंस आज तक हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर वो ढंग से पढ़े हैं तो आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू। नॉट एट ऑल ना जी सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चैप्टर को यहीं वाइंड अप कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड पढ़ेंगे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, थैंक यू बच्चों।